प्यारे छात्रों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अनअकैडमी पर मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन समाकलन के क्वेश्चन बनाए हैं, जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप उसे देखने के लिए प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें आप वो लिंक ओपन करके बहुत ही इजीली उसको देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे और आज का ये पहला क्वेश्चन संख्या पद्धति चैप्टर से है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन विभाज्यता से संबंधित है। विभाज्यता वाला क्वेश्चन बहुत आता है पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। पहला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि संख्या 2 फिर स्टार बन गया है, स्टार 435 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। एक बार और क्वेश्चन में दोहरा देता हूँ कि संख्या 2 स्टार 435 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी यानी 0 1 4 7, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसे जानने के लिए हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये संख्या यहाँ पे लिख लेना है 2, उसके बाद स्टार बना लेना है। स्टार बनाने के बाद 435 लिखा है, 435। अब यहाँ पर स्टार का वैल्यू ज्ञात करना है। एक किस कंडीशन में ज्ञात करना कि यह संख्या 9 से पूरा पूरा विभाज्य है, और आपको पता भी है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होती है तो उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाजित होता है। यह संख्या 9 से विभाजित है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्टार 4 3 5 इन संख्याओं का योग भी 9 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे सबसे पहले, यानी 2 प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5। अब देखिए इसको जोड़िए कितना आता, 2 4 6 6 3 9 9 5 14, 14 प्लस क्या बचा हुआ है, स्टार बचा हुआ है, यानी 14 प्लस स्टार। यह संख्या किससे विभाजित है, 9 से। यह संख्या 9 से विभाजित है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर दिख रहा है कि 14 ये है और ये कितना और हो जाए कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यानी 14 में यदि हम 4 जोड़ दें, 14 4 18, और 18 कितना से, 9 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार का मान 4, कम से कम जो मान होगा स्टार का वो 4 होगा। 4 से बड़ा भी हो सकता है, 13 भी। अगर हम 14 में 13 जोड़ दें तो भी वह 9 से विभाजित हो जाएगा। तो जो स्टार का सबसे कम मान है वो कितना होगा, 14 प्लस 4 होगा, यानी जिस ऑप्शन में ये 4 होगा वो ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन था। अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन और आया था पिछली बार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, किसी सेट में आया था, मुझे याद नहीं है। एक बच्चे ने व्हाट्सअप किया था कि प्रथम विषम संख्या 1 है, प्रथम विषम संख्या 1 है और द्वितीय विषम संख्या 3 है और तृतीय विषम संख्या 5 है। तो इसी तरीके से 200वीं विषम संख्या कौन सी होगी। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है और तृतीय विषम संख्या 5 है। तो आगे इसी प्रकार बढ़ते रहते हैं, तो 200वीं विषम संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दिख रहा है, 1 के बाद 3 3 के बाद 5, ये समांतर श्रेणी में क्वेश्चन चला गया। तो यहाँ पर सर्वांतर है 2, यानी इसका इसका अंतर 2 है, इसका इसका अंतर 2 है, यानी सभी का अंतर 2 है। तो यहाँ पर पहला पद a का मान 1 हो गया और d का मान 3 में से 1 घटा देंगे, 2 हो जाएगा। और n का मान आपको यहाँ पर 200, n का मान कितना है, 200। तो यहाँ पर 200वां यानी nवां पद वाला सूत्र लगेगा। एक सूत्र है समांतर श्रेणी का, nवां पद बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह पर 200 रखेंगे तो 200वां पद बराबर ए का वैल्यू 1 और प्लस
एन का मान 200 माइनस 1 इंटू डी का मान हम रखेंगे यहाँ पर देख करके 2। तो अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो 200 में से एक घट जाएगा, हो जाएगा 199 में फिर 2 का गुणा। वैसे अगर 199 का 2 में गुणा करना आपको कठिन लग रहा हो तो आप 2 का गुणा 200 में करेंगे, हो जाएगा कितना 400, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2। तो 400 में से 2 घटा देंगे तो 398 मिलेगा आपको। 398 में एक जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 399, यानी 200वीं विषम संख्या 399 है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन इसका ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है।